हेलो फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2 दिनों से मुझे बहुत सर्दी खांसी और फीवर था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। बट अभी तो बुखार और हाई फीवर हो गया था, तो इस वजह से बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। अभी थोड़ा ठीक हूँ। और मैं जनरली जो मुझे बुखार होता है तभी मैं दवा लेती हूँ, अदरवाइज सर्दी खांसी में तो मैं घरेलू उपचार ही से अपने आप को ठीक कर लेती हूँ ज़्यादातर समय। और लेकिन हाई फीवर के बाद, जब आप देखते होंगे, जब हाई फीवर होता है उसके बाद जो मुंह का टेस्ट है वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक मैं बिल्कुल जो ट्रस्टेड है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं आज आपको वो बताऊँगी। तो चलिए, एक बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर है, इसे ज़रूर आप हाई फीवर में जब आपका टेस्ट चला जाए तो इसे यूज़ करें। ये ऐसे नींबू मैंने एक ले लिया है, ये जो कटा हुआ नींबू है इस तरह से ले लें। और इसमें थोड़ा सा काला नमक, अच्छे से चारों तरफ से ये हो जाए, काला नमक डाल देने के बाद इसमें थोड़ा सा गोलकी पाउडर और काले मिर्च पाउडर जो भी कहे वो डाल लें। उसके बाद इसे पका ले आग पे। बिल्कुल वीडियो एडिट नहीं कर रही हूँ, आप खुद देख ले मैं कितनी देर पकाती हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से। इसे हल्का सा ऐसे प्रेस करते जाएं, ऐसे चाटते जाएं। इसे 2 दिनों तक कम से कम दो दो बार डेली करें, इससे आपका टेस्ट पूरा का पूरा 2 दिनों में आ जाएगा। अगर आपको ये मेरा जो उपाय था अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।